दिल्ली के सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्र प्रथम टीम ने जनता से बात की। इस इलाके के पार्षद हैं सुमपाल फौजी जो बीजेपी से हैं और विधायक हैं मुकेश अहलावत जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वहीं सांसद भाजपा के हंसराज हंस हैं। क्षेत्र की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से साफ तौर पर असंतुष्ट थी। निगम पार्षद के बारे में पूछने पर जनता ने कहा कि कॉलोनी में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। पार्क, निगम, स्कूल, नाले इत्यादि की सफाई की स्थिति दयनीय है। 15 सालों से निगम में भाजपा का शासन होने के बावजूद सफाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार के आरोप भी एमसीडी पर साफ लगे। पार्क की दीवार की हालत ऐसी दिखी मानो मरम्मत के अभाव में कभी भी गिर जाए। जनता के अनुसार पार्कों में लोग से ज्यादा सुअर घूम रहे हैं। एमएलए के बारे में पूछने पर पता लगा कि कैमरा लगने के बावजूद कानून व्यवस्था की स्थिति बुरी है। जनता के अनुसार कैमरे नहीं चल रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के काम से जनता खुश दिखी। अस्पताल बनने के फैसले, फ्री बिजली और फ्री पानी, मोहल्ला क्लिनिक के बनने से जनता को खुशी मिली। सांसद हंसराज हंस काफी समय से इलाके में नहीं आए हैं और जनता उनका चेहरा भी भूलने लगी है, इसीलिए सांसद महोदय को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जनता से बात करने के बाद इतना साफ समझ आता है कि केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन से जनता असंतुष्ट है। सत्ता के आने के बाद अगर जनप्रतिनिधि अपने प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देंगे तो अगले चुनाव में उनकी वापसी 21वीं शताब्दी में लगभग असंभव है, जहां कार्य के नाम पर जनता वोट देती है। 2020 के बाद से सत्ता में वापसी के बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने कोरोना काल जैसी गंभीर परिस्थितियों में कार्य किया है, लेकिन अगर तथ्यों की बात करें तो 5 साल के समय में से लगभग 40% से ज़्यादा समय जनप्रतिनिधि के हाथ से निकल चुका है। दिल्ली नगर निगम की बदहाल स्थिति जगजाहिर है और पार्षद के पास कुछ महीने और हैं जिसमें या तो वे स्थिति सुधार लें, नहीं तो जनता के हाथों चुनाव में अपना रिपोर्ट कार्ड ले लें। सांसद के पास एक बड़ा जनक्षेत्र दिल्ली में है और अगली जनगणना और उसके बाद की चुनावी प्रक्रिया, जब तक कई और नए सांसद या नई कई और नई सीटें नहीं आती तब तक उनके ऊपर का भार कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक बड़े नेता और जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी भी परिस्थिति में उनको अपनी जिम्मेदारी का पालन करना होगा। राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत तो यही कहता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की जनता और उनका विकास ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी और भाजपा अपेक्षित कार्य नहीं करेगी तो जनता में कांग्रेस सरकार को याद करने वाले भी कम नहीं है। सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 45 एंड सुल्तानपुरी ए ब्लॉक के अंदर हैं हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं सरकार को, तो आइए जानते हैं उनसे कि उनके क्षेत्र में क्या क्या विकास हो रहा है। आपके जो निगम पार्षद कौन हैं आपके क्षेत्र का? सोमपाल फौजी। फौजी आपके निगम पार्षद हैं आपके क्षेत्र का? हाँ जी। तो उनके जो जब से वो बने हैं अब तक, जब से बने हैं और अब तक, हाँ जी, आपके क्षेत्र में एरिया में क्या क्या काम किया है? कुछ नहीं किया जी। अच्छा, हम जाते हैं तो सुनते नहीं है। मतलब आप अपनी परेशानी लेकर के उनके पास जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं, नहीं सुनवाई लेते। ठीक है। तो और आपके क्षेत्र में कभी आए नहीं? आते हैं कभी, बड़े कह के चले जाते हैं कि हम ये काम करेंगे, पर वो कर नहीं पाते हैं। मतलब सिर्फ कहते हैं लेकिन धरातल पर करते नहीं? हाँ, बात टाल जाते हैं। जानवर इतने घूम रहे हैं कि हम उनको बोलते हैं का सुधार करो जी। कोई नहीं, लापरवाही है। पार्क सारे गंदगी के भरा पड़ा है, बूढ़े बुजुर्ग लंगड़े लुल्ले बैठ नहीं सकते उसमें। क्षेत्र का जो विधायक है, हाँ, एमएलए, वो हाँ, कौन है? मुकेश अहलावत। हाँ जी, जो आम आदमी पार्टी से हैं। हाँ जी। उनके जो कार्यकाल के समय में उन्होंने क्या क्या? कोई नहीं सुनता जी। अच्छा, कोई नहीं सुनने को राजी है, कह देते हैं सब अपना अपना पेट भर रहे हैं। समस्या है पूरी। मतलब ना निगम पार्षद ने कोई विकास किया आपके क्षेत्र में? हाँ जी, हाँ जी। ना ही विधायक जी ने जो आपके क्षेत्र में विकास किया है? हाँ जी। आपके जो विधायक ने नकली से कैमरे, हाँ, ये नकली कैमरे, चोर डाकू लुच्चे लुंगाड़े यहाँ पे खड़े होते हैं, कोई सुनता ही नहीं है जी हमारी। पर ज्यादा प्रॉब्लम हमें ये जानवर घूमते हैं, हमारे पास कोई अच्छा आदमी नहीं आ सकता है। और कोई और क्या क्या परेशानी है बताइए? बस यही दिक्कत है जो अब ये देखो क्या हालात है। कैमरा घुमाइए आप अपना, कोई नहीं सुनवाई। पार्कों में कोई फैसिलिटी नहीं है? कोई फैसिलिटी पार्कों में नहीं है? रात में ग्रिल लगी थी, आज तक एमएलए दूसरा लगा ही नहीं पाया। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी का सुधार हो। ठीक है। हाँ, आपके क्षेत्र का जो सांसद कौन है? कौन है? हंसराज। दौरा किया है? नहीं, हमने नहीं देखा कभी, नहीं कभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से?
यही कहना चाहेंगे जो हमारे क्षेत्र के अंदर कुछ भी सुविधा नहीं है। आने वाले समय में आने क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से ही चाहते हैं हमें सहूलियत होनी चाहिए, हमारे बच्चों को कुछ रोजगार मिलना चाहिए, चाहे प्राइवेट दिहाड़ी मिले कुछ भी मिले, टिकाऊ मिले। कोई काम नहीं है बिल्कुल भी सुधार का। सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 45 है, सुल्तानपुरी ए ब्लॉक के अंदर है हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बोबी है। बोबी जी आपका निगम पार्षद कौन है आपके क्षेत्र का? सोमपाल फौजी। सोम फौजी ये आम आदमी पार्टी से ही निगम पार्षद है? नहीं बीजेपी से। बीजेपी से सोमपाल फौजी। तो उनके जो कार्यकाल के समय में उन्होंने क्या क्या विकास किया आपके क्षेत्र के अंदर? तो आपको दिख रहा होगा, कुछ भी आप देख लो, पार्क जाके देख लो, किसी स्कूल में जाके देख लो, प्राइमरी स्कूल में। पहली बात तो स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं, नहीं सारी गंदगी स्कूलों में, दुनिया भर की कोई साफ सफाई नहीं है। स्कूलों में जाके चेक कर लो। आइए पारी के हमारे साथ में, इन पारिकों में चेक कर लो। ये आगे पारी के उनका सोमपाल भोजी का एक लड़के ने बेचारे अपने पैसे लगा के सफाई कराई है पार्क के अंदर। ये पार्क इतने सालों से जब से बना है जब से गंदगी, ये नाला है सोमपाल भोजी का, कम से कम भी इसको 15 साल से निगम में बीजेपी की सरकार बैठी है, 15 साल में एक भी बार ये नाला साफ नहीं हुआ। एक बार सोमपाल फौजी बना, उससे पहले दो बार और बीजेपी की लेडीज थी सुशीला बागड़ी, उसने आज तक ये नाला साफ नहीं हुआ। यहाँ से तो ये तोड़ा फोड़ी के तो ध्यान देते हैं, गरीब आदमी ने अपनी गाड़ी घोड़े के लिए लगाने के लिए ये छत बनाई थी एक थोड़ी सी, चलो भाई बारिश बरसात में कुछ दिक्कत ना, तो उनको तोड़ा फोड़ी करके चले गए। बस ये काम है इनके और गरीब आदमी को। देखो एमसीडी में इतना भ्रष्ट नेता बैठ चुके हैं दुनिया भर के, तनख्वाह ही नहीं दे रहे, हड़ताल चल रही है आपको पता होगा, तीन तीन चार चार महीनों बेचारों को 20-20 साल हो गए पक्के नहीं हुए, कहाँ जाएगा गरीब आदमी। इतनी महंगाई, ऐसे शासन हमने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं ना देख पाएंगे, पता नहीं आगे जिए हमारे कोई पता नहीं है, पर ऐसी ऐसी सरकार तो हमने देखी नहीं आज तक। आपके क्षेत्र में विधायक कौन है? एमएलए है ये मुकेश रावत आम पार्टी का, ये भी देख लो उसने भी ये कैमरे लगवा दिए करोड़ों रुपए के सुल्तानपुरी में, अपने विधानसभा पूरे एक कैमरा नहीं चलता, एक चोर चोरी करके चला जाता, कभी पता नहीं था पीछे बेचारे गरीब आदमी के छत से चढ़ के लेके चलेगा, कैमरे में पता ही नहीं है, आए नहीं गए बताओ, ये बंद पड़े हैं कैमरे, करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठे हुए अपने ऐसे ऐसी में जाओ, नहीं कोई मतलब नहीं है। ये देख लो रोड पे जाके कोई सा रोड, ये रोड कभी बने ही नहीं है, एक यही रोड बना हमारे रोड पे जो है जिस पे हम खड़े हैं बस 20-25 साल में। ये भी काफी साल का जो है सांसद है हंसराज हंसी ना, हमने तो देखे नहीं, इलेक्शन जिस दिन वोटिंग थी वोटिंग की रात को तो घूमे थे, उसके बाद ना देखे हमने, पंजाब में रहते हैं, पंजाब से आज तक तो हमने देखे ना, चंडीगढ़ पंजाब कहाँ रहते हैं बताओ, ऐसे ऐसे बना रहे, ये पब्लिक की गलती है, ऐसे आदमी को वोट दे देते हैं। आने वाले समय में क्या उम्मीद रखते हैं सरकार? सर जब 5 साल बैठ गई तो आगे क्या उम्मीद रखेंगे, 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या उम्मीद रखेंगे, आगे तो उम्मीद ही खत्म है, हमारे जैसे तो वोट ही नहीं देंगे। ये पेड़ इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, कोई जंगाई का कोई मतलब नहीं तो हर साल के 6 महीने के अंदर अंदर इनकी छटाई होनी चाहिए, इतने पुराने पुराने पेड़ हो रहे हैं। पार्क को तो नाश कर दिया फौजी ने, कोई देख रेख नहीं है, ना कोई पानी पड़ता, ना यहाँ घास कटती, ना कभी सफाई होता, इतना बढ़िया पार्क था इसकी नाश कर दिया फौजी ने। बिल्कुल आदमी आ नहीं सकता यहाँ, तो बच्चे अब आते नहीं है डर के मारे। ये देखो जो ये लगाया था वर्जिश के लिए, कुछ सब टूट गया, कुछ भी ना है, सब नाश हो गए इसके। हाँ हालत खराब है इस पार्क का। ये देखो ये दीवार 25 साल हो गए इसको बने हुए, कभी कांग्रेस के राज में बनी थी, या फिर एक बार बागड़ी की लड़की ने काम करवाई देख लो।
हाँ बागड़ी की लड़की हाँ, सुशीला जब तो ये पहली बार आई थी तब हाँ पहले दफा कराया था जो कराया था वो भी नहीं ये दीवार कभी भी गिर सकता है हाँ ये दीवार कभी भी पूरा करेक हो गया पूरी पूरी ये हालत है पूरे पारिक की दीवारों का आगे आगे मालियों का ऑफिस है उसमें भी कोई बंदा नहीं है। सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा क्षेत्र जो वार्ड नंबर 27 में है हम इस समय आई जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो लोग वोट देते हैं वोटर हैं उनसे पूछते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुंदरलाल। सुंदरलाल जी आपका निगम पार्षद कौन है आपके क्षेत्र का? ये सोनपाल फौजी पढ़ते हैं जी। हाँ सोनपाल सोनपाल फौजी फौजी जी ये निगम पार्षद जो है आपके सोनपाल फौजी उनके जो है कार्यकाल के समय में देखो विकास की अगर बात की जाए तो देखो मैंने तो आज तक देखा भी नहीं जिनको घूमते हुए यहाँ वार्ड में। और अगर विकास की बात की जाए तो जैसे हमारे पार्क हैं पार्क में तो यहाँ सूर घूमते हैं जी वहाँ पर घूमना भी दुभर हो गया जो आम पब्लिक है ना वो घूमने में भी मतलब हिचकिचाते हैं वहाँ क्योंकि पब्लिक से ज़्यादा वहाँ सूर घूम रहे हैं जी आजकल। मैं किसी के मतलब वैसे नहीं बात कर रहा हूँ मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ मतलब सूर घूमना कोई बढ़िया अच्छी बात थोड़ी है जी। जो हमारा विकास था वो 40 साल पीछे चला गया जहाँ था पहले सूर घूमते थे अभी सूर ही घूम रहे हैं इससे तो अच्छा ये तो जो थे ना कांग्रेस वाले कम से कम सूर तो नहीं घूमने दे रहे थे तो कम से कम बाढ़ में जो सुधार आए कम से कम ऐसा होता है कम से कम सूर ना घूमें या कुछ और विकास करें गलियों का विकास करें नालियों का विकास करें। MCD में और बुरा हाल कर दिया इन्होंने। आपके क्षेत्र में जो विधायक कौन है? विधायक है जी ये मुकेश अहलावत जी जो आम आदमी पार्टी से जो है मुकेश अहलावत जी हैं। उनके कार्यकाल के बारे में क्या करना चाहेंगे विकास उन्होंने कहा कि आप क्षेत्र देखो जी उनको ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं अभी और ज़्यादा टाइम ना होने के कारण उन्होंने विकास कार्य की अगर बात की जाए तो अभी एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है हमारे यहाँ। कौन सा हॉस्पिटल? ये इंदिरा पार्क में बनेगा जी बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनेगा उसमें कॉम्प्लेक्स बनेंगे स्टेडियम बनेंगे हॉस्पिटल बनेंगे डिस्पेंसरी बनेंगे जो काम हम यहाँ से 4 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर जाते थे संजय गांधी में रात को दिन में किसी समय भी जाते थे तो हमें दिक्कत होती थी वहाँ। अब हमारा सामने सोल हो रहा प्रोग्राम सब कुछ यहीं शुरू हाँ कॉलोनी के दो मिनट की दूरी पर अगर पैदल भी जाएंगे तो 4 मिनट में पहुँच जाएंगे ठीक है जी। और वहाँ रात में जाते थे कोई लूट खसोट सारी बातें होती है वहाँ। और बाकी डिस्पेंसरी का काम हो गया मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं जी फ्री में इलाज हो रहे हैं लोगों के और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है जी सिविल डिफेंस में लोग जा रहे हैं काफ़ी लोग जा रहे हैं हमारे मोहल्ले से भी जा रहे हैं और खास तौर से मैं भी जाने को तैयार हूँ ठीक है जी। आपके क्षेत्र में जो है सांसद कौन है? हाँ जी सांसद ऋतुराज हंसराज हैं जी। तो उन्होंने जो है आपके क्षेत्र में दौरा किया कि मुझे तो पता नहीं जी हंसराज जी कौन है मैंने नहीं देखे आज तक। अच्छा हम देखे नहीं आप ना मैंने नहीं देखे कोई नहीं काम क्या करेंगे जब आई नहीं वो हमारा पाई नहीं है हम तो इनके बात करेंगे जी जो हमारे विधायक साहब है ना MLA मुकेश अहलावत जी वो बेचारे घूमते हैं यहाँ को ऑफिस में भी डेली बैठते हैं। मैं ये मान के चलूँ कि आपके वार्ड के अंदर जो निगम पार्षद हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। मैं बता तो राजी सूर घूमते हैं पार्कों में जी और जो विधायक हैं उन्होंने काफ़ी विकास किया है विकास किया जी देखो दो एक साल में हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा हमारे सामने एकदम मोहल्ला क्लिनिक खुल गई बिल्कुल बिल्कुल। और जो है मतलब आपसे ये सवाल है कि आप आने वाले जो सरकार है क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाली सरकार क्या जो सरकार कौन सी आएगी जी आएगी आम आदमी पार्टी उम्मीद ये है कि इससे अच्छा करेंगे और जो कर रहे हैं इससे अच्छा करेंगे। महिलाओं को टिकट फ्री चल रहा है और घरों में पानी फ्री चल रहा है घरों में लाइट फ्री चल रही है लोगों को रोजगार मिल रहे हैं हॉस्पिटल मिल रहे हैं मेडिकल मिल रहे हैं और क्या जी गरीब आदमियों को अनाज भी मिल रहा है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।